Hi. So I'm seeing how many people are there. There is Nigam, there's Siddharth, I can see Rishabh. Now I'll be live on Facebook too, just trying to figure that out. Yes, that's good. So live on Facebook too. I need a thumbs up from you guys on Facebook to confirm that I am live. Hi, Somu Banerjee. Yes, I can see people. Good, good, good. So we are sorted. I wasn't sure whether I was getting, there was some problem with the Facebook, but that's the pleasure of live. The pleasure of live is that you can talk to different types of people. Welcome swans, welcome cockroaches. I don't, for those who don't know, I use these two terms. Swans are people who are interested in art and culture and understanding knowledge. Because you know, लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन हंस है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको नॉलेज में इंटरेस्ट है वो हंस होता है, और जिसको नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आता है तो हम उसको कॉकरोच बोलते हैं. तो हमारे घर में जैसे कॉकरोच होते हैं ना, हर घर में कॉकरोच तो होगा ही, हम साफ रखते हैं लेकिन कॉकरोच कहीं जाते नहीं, वो हमेशा रहते हैं हमें. यू कैनॉट हैव अ वर्ल्ड विदाउट कॉकरोचेस. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो सुएज सिस्टम, टू गेट रिड ऑफ कचरा इन द हाउस. उनकी कोई वैल्यू होती है. सो नाउ, ओह नाइस, सो मेनी पीपल. सो आज हम, आज का टॉपिक इज आर्ट एंड कल्चर. एंड आई सेड ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर. इफ यू सी मी मूविंग दिस वे दैट वे, बिकॉज माई इंस्टाग्राम इज हियर एंड माई फेसबुक इज हियर, राइट? आई एम ट्राइंग टू कम टू अ प्लेस वेयर बोथ कैन बी सीइंग मी वेरी क्लियरली, बट अगर मेरे आंख डार्ट कर रहे हैं इट्स बिकॉज इट इज लाइव. नाउ लेट्स बिगिन. की यू नो मैंने आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग दैट आई लाइक. जब आप मिथोलॉजी पढ़ते हो, यू नो व्हेन आई एम स्टडिंग मिथोलॉजी, हाउ इज इट कनेक्टेड टू आर्ट एंड कल्चर? तो पहले ये बात है कि आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या है. जब बोलते हैं तो आर्ट, यू नो आर्ट होता है, यू नो हर संस्कृति का सम, देयर इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल अबाउट दैट कल्चर एंड विच दे ट्रांसमिट इन वेरियस फॉर्म्स. तो जैसे अगर आप, टिपिकली हम बोलेंगे कल्चरल डे होना चाहिए, तो कल्चरल डे होते ही व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वील टॉक स्कूल में एक टीवी डांस का प्रोग्राम होगा, सॉन्ग प्रोग्राम, समबडी विल सिंग, समबडी विल डांस, कुछ थिएटर होगा. तो हम कल्चरल प्रोग्राम बोलते ही सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, थिएटर आता है, सिंपल है उसमें. लेकिन थोड़ा और एडवांस लेवल में जाएं तो कल्चर के बारे में बात करें तो देवदत्त, अब मेरे को, अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ और मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू जर्मनी एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट जर्मन कल्चर, तो अब करोगे क्या? आर्ट के बारे में जानना है तो बोलेंगे कि तुम म्यूजियम जाओ, गो टू अ म्यूजियम विच विल शो यू द आर्ट ऑफ जर्मनी. तुम आर्ट बोलते ही हम जर्मन, हम म्यूजियम के बारे में बोलते हैं. बट देन देर इज समथिंग कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन देर इज समथिंग कॉल्ड प्लास्टिक आर्ट्स. परफॉर्मिंग आर्ट्स इज सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, परफॉर्म कर रहे हो तो लाइव होता है, वो देखने को मिलता है. यू सी अ सिंगर, यू सी अ म्यूजिशियन, तो एक अनुभव होता है उस संस्कृति से क्या निकला है. सो यू नो दैट इज सरस्वती, रियली दैट इज द बेस्ट द कल्चर हैज टू ऑफर. एंड टू क्रिएट आर्ट, ना आर्ट बनाने का मतलब है कि हु क्रिएट्स आर्ट, एंड दीज क्वेश्चन स्टार्ट इमर्जिंग बिकॉज यू आर सीइंग सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, फिर जैसे मैंने कहा वो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है. फिर प्लास्टिक आर्ट्स क्या होता है देवदत्त? एंड प्लास्टिक आर्ट्स इज पेंटिंग, देन देर इज स्कल्पचर. तो स्कल्पचर होता है, पेंटिंग होता है, जो हम म्यूजियम्स में देखते हैं. सो इफ यू गो टू म्यूजियम, जैसे बॉम्बे में छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय है, यू गो देर यू विल सी ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स तो कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, एंड वहां से उनके कल्चर के बारे में सीखने को मिलते हैं. सो यू फाइंड आर्ट, यू फाइंड कल्चर. ये वर्ड्स हम कैजुअली यूज करते हैं. फिर हम यूज करते हैं वर्ड सिविलाइज्ड, यू नो आर यू कल्चर्ड, आर यू सिविलाइज्ड. तो ये अनकल्चर्ड का मतलब क्या है, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या है? तो ये शब्द आते हैं. एंड आई हैव रेड दिस बिकॉज यू नो व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट एंशियंट इजिप्ट,
आपको उनके कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ता है, आर्ट के बारे में पढ़ता है, एंड देन द क्वेश्चन कम्स इज इसका मिथोलॉजी के साथ देवदत्त संबंध क्या है. सो आई विल बिगिन विद व्हाट आई एम एन एक्सपर्ट इन इज मिथोलॉजी. मिथोलॉजी इज दुनिया को देखने का एक तरीका होता है. जो मनुष्य होता है, ह्यूमन बींग्स लुक एट द वर्ल्ड इन अ वेरी पर्टिकुलर वे. और हर आदमी अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से देखता है. कुछ लोग कहेंगे, यू नो सम पीपल विल से दैट लाइफ देयर इज ओनली वन लाइफ एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मेक मनी. सम विल से द पर्पस, ये तो जिंदगी दुख भरा है, जिंदगी इज ओनली सफरिंग एंड द होल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव अप दिस सफरिंग, टू गेट रिड ऑफ दिस सफरिंग, टू फिगर आउट अ वे दैट यू शुड नॉट सफर एट ऑल. तो वो त्यागी बन जाएगा, वो योगी बन जाएगा, वो कहेगा कि आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट. तो ये दुनिया को देखने का एक दृष्टिकोण होता है. तो अलग अलग लोग, ये दृष्टिकोण आता कहाँ से है? बच्चे में तो ये नहीं होता है दृष्टिकोण. अ चाइल्ड डज नॉट हैव दिस दृष्टिकोण कि स्वर्ग है, नर्क है, भगवान है, शैतान है, पुनर्जन्म है, न्याय है, इक्वालिटी है, वी आर ऑल इक्वल. ये कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं पता है. बच्चा डजंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कि हम लोग इक्वल है, अनइक्वल है. जात पात के बारे में उसको नहीं पता है, धर्म के बारे में नहीं पता है. उसको कोई बताता है, कोई बताता है, पेरेंट्स बताते हैं, उसकी जो सोसाइटी होती है बताती है. कैसे बताती है? कहानी के माध्यम से बताती है, रीति रिवाज के माध्यम से बताती है, उत्सवों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से. फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिवल के टाइम में तुम बोलोगे कि ये शुभ है, ये अशुभ है. जैसे गणपति के टाइम में वो मून को मत देखो, तुम ये खाना खाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, तुम लेफ्ट हैंड से मत खाओ, राइट हैंड से खाओ. तो राइट हैंड से खा रहे हो, देन यू विल गो टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में बोलेंगे नहीं कटलरी उठाओ, यहाँ पे काटा लेफ्ट हैंड में होता है, राइट हैंड में छुरी होती है. एंड यू से ओके, ये करेक्ट वे है. तो हाथ से मैं खाऊं, दैट मींस विद द राइट हैंड शुड आई ईट, और शुड आई ईट विद कटलरी? देखो कल्चरल डिफरेंस आ गया. अगर जापान में जाओ तो इट इज कंसिडर्ड वेरी रूड अगर टेबल के ऊपर नाइफ रखा जाता है. यूरोप में कटलरी में हमेशा नाइफ होगा, बटर नाइफ होगा, खाने का नाइफ होगा, स्टेक का नाइफ होगा, फॉर्क होगा. जापान में कहेंगे इट इज़ वेरी रूड, चाइनीज में कहेंगे इट इज़ वेरी रूड, इंडियंस कहेंगे कि हमको कटलरी की जरूरत नहीं है, हमको चॉपस्टिक की जरूरत नहीं है, हम राइट हैंड से खाएंगे. तो फिर हर हर जगह में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं. सो नाउ कम्स दैट सो मेनी थिंग्स यू आर टेलिंग, हाउ डू आई अंडरस्टैंड, हाउ डू आई स्टडी? मेरे को अगर पढ़ना है कल्चर के बारे में, सो मैं बोलता हूं कि जो हमारे विचार हैं, विचार को आप अनुभव नहीं कर सकते. माई थॉट्स विच आई हैव, मैं विचार को व्यक्त करता हूं अलग अलग तरीके से. मैं आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से आपके तक एक बात पहुंचाता हूं. सो फॉर एग्जाम्पल, आई राइट बुक्स, आई डू इलस्ट्रेशंस. पहले जमाने में जब लिखते नहीं थे तो वो ड्रॉइंग करते थे. तो अलग अलग रीति रिवाज के माध्यम से दे विल कम्युनिकेट आइडियाज. यू नो, जैसे मैंने कहा ये शुभ है, ये अशुभ है. अगर आप यहाँ जा रहे हो, क्या स्मशान भूमि जाते हो, तो नहाना चाहिए, तो डेड बॉडीज को जलाना चाहिए, या गंगा में बहाना चाहिए, या उसको दफनाना चाहिए उत्तर के दिशा में या दक्षिण के दिशा में. तो अलग लोगों की संस्कृति अलग होती है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो मिथ जो होता है, जो मिथ्या जब हम बात करते हैं, इस लोगों को दुनिया देखने का एक दृष्टिकोण, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दुनिया दिखाई देती है. ऑल ह्यूमन बींग्स डोंट लुक एट लाइफ एंड डेथ इन द सेम वे, राइट? दैट इज वॉट इज द मिथ. एंड हाउ डू आई आइडेंटिफाई दिस मिथ? आई आइडेंटिफाई दिस मिथ बाय लुकिंग एट स्टोरीज, सिंबल्स एंड रिचुअल्स. तो कहानी, प्रतीक और रीति रिवाज को पढ़ के जब संस्कृति आती है. सो यू नो एनिमल्स डोंट हैव एनी, हम बोलते हैं एनिमल्स का कल्चर नहीं होता, वो नेचर है, वो नैसर्गिक है, वो प्रकृति में होता है. मनुष्य जब आता है तो हम संस्कृति का निर्माण करते हैं. तो कल्चर इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू नेचर. एनिमल्स डोंट इंपैक्ट नेचर. एनिमल्स विल नॉट बिल्ड अ हाउस एंड मेक अ फार्म एंड मेक पॉटरी.
वो पोएट्री नहीं बनाएंगे, वो थिएटर नहीं करेंगे. सो दिस होल इट इज अ ह्यूमन रिएक्शन. इनफैक्ट नाउ साइंटिस्ट आर फाइंडिंग आउट दैट कल्चर इज ए एवोल्यूशनरी मेथड बाय विच ह्यूमंस सर्वाइव. जानवर के पास, जैसे पंखियों के पास, दे हैव फेदर्स, दे हैव विंग्स, दे हैव क्लॉज, दे हैव वेरियस वेज ऑफ सर्वाइविंग. एवरी एनिमल को प्रकृति ने हैज गिवन सम फॉर्म ऑफ सर्वाइवल और दी अदर. किसी को दांत दिए हैं, किसी को नाखून दिए हैं, मनुष्य को दिमाग दिया है. मनुष्य अपने दिमाग से अपने सर्वाइवल के लिए संस्कृति का निर्माण करता है. तो संस्कृति आपको, इट अलाउज यू टू सर्वाइव. इफ यू डोंट हैव कल्चर, यू डोंट सर्वाइव. द फर्स्ट रोल ऑफ कल्चर इज टू हेल्प यू सर्वाइव. द सेकेंड रोल ऑफ कल्चर इज टू गिव योर लाइफ मीनिंग. अपने जीवन को वो एक अर्थ देता है. तो एक अर्थ, एक सिस्टम देता है. हाउ टू थिंक, कि मेरा रोल क्या है सोसाइटी में, मुझे करना क्या है, ये सब संस्कृति हमें बताती है. और संस्कृति कभी इज नेवर स्टैटिक, इट इज चेंजिंग ओवर टाइम. इट इज चेंजिंग, जैसे मैंने कहा, इट इज ऑलवेज चेंजिंग. वन इज, इट इज चेंजिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, यू हैव डिफरेंट कल्चर, एंड द कल्चर कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम. 100 साल के पहले कल्चर कुछ और था, आज का कल्चर कुछ और है. 200 साल पहले विमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आजकल विमेन आर अलाउड टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. इन योर फादर एंड मदर टाइम, नोबडी टॉक्ट अबाउट गेज एंड लेस्बियंस. आजकल हम बोलते हैं कि नहीं, गेज एंड लेस्बियंस हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, दे हैव अ राइट टू मैरी. तो मतलब संस्कृति में बदलाव आ रहा है. तो बदलाव भी आता है समय के साथ. सो ऑल दैट हैज टू बी. सो कल्चर एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू नेचर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. यू नो व्हेन पेली यू नो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन पेलियंटोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी. पेलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स, एंड दे आर स्टडी, दे डिग द अर्थ एंड दे सी कि अच्छा ये अलग अलग प्रकार के प्राणी होते थे, द फॉसिल्स विच एग्जिस्ट. हाउ डू दे नो दैट दे हैव फाउंड अ ह्यूमन बींग? सो आर्कियोलॉजी की शुरुआत जब कैसे होती है? व्हेन डू यू नो दैट पेलियंटोलॉजी हैज कम टू एन एंड, एंड हाउ डू यू नो आर्कियोलॉजी हैज कम टू बिगिनिंग? तो यू, व्हेन यू आर डिगिंग, यू विल सडनली फाइंड टूल्स, औजार. एनिमल्स डोंट यूज टूल्स. आई मीन, वी नो दैट अ बेयर कैन यूज अ लिटिल टूल, एंड ए चिंपैंजी कैन यूज सम टूल्स, बट नथिंग लाइक ह्यूमंस. ह्यूमंस स्टार्टेड क्रिएटिंग टूल्स. सो यू नो व्हेन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल वी नो इज 13 बिलियन ईयर्स, आई मीन सॉरी, द बिग बैंग टुक प्लेस 13 बिलियन ईयर्स अगो. अर्थ बिगैन 4 to 5 बिलियन ईयर्स अगो. लाइफ अपियर्ड, पहला लाइफ अपियर्ड 3 बिलियन ईयर्स, 3 मिलियन ईयर्स अगो. एंड देन ह्यूमन स्टार्ट टू अपियर. ह्यूमन्स एज वी नो आर 100,000 ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्ट टू अपियर. हाउ डू वी नो ह्यूमन अपियर्ड? वी स्टार्टेड सींग स्टोन टूल्स बींग यूज इन अफ्रीका, दे फाउंड स्टोन टूल्स. हाउ डू दे नो ह्यूमन अपियर्ड? दे फाउंड दैट ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग ज्वेलरी. अपने अराउंड दे स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ज्वेलरी. दे स्टार्टेड बेरिंग द डेड. सो द बेरिंग द डेड. तो जब एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने, जो मरता है उसके लिए हम वो शव को लेके, वी डोंट लेट द एनिमल्स, विल लेट द बॉडी गो, बट ह्यूमंस विल बेरी द डेड और क्रीमेट द डेड. तो बेरियल राइट्स जब होता है, हमें पता चलता है कि ह्यूमंस बींग्स हैव कम. अभी क्यों, व्हाई डू पीपल बेरी द डेड और क्रीमेट द डेड? हम डेड बॉडी को लाइक अदर एनिमल्स, व्हाई डोंट वी ट्रीट इट? इट इज बिकॉज वी बिलीव आवर लाइफ हैज मीनिंग. हमारे जीवन का कुछ अर्थ होता है. इससे संस्कृति की शुरुआत होती है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कल्चर. तो जब हम कल्चर की बात करते हैं, तो व्हाट इज, वी विल आस्क वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस कि खाना, यू नो आई ऑलवेज आस्क दीज 3 क्वेश्चंस, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान. वो खाना कैसे बनाता है? खाना कैसे बनाता है, कहां से लेके आता है? हाउ डू यू जेनरेट फूड? सो द हंटर गैदरर फॉर कम्युनिटीज वुड फाइंड फूड. जैसे कलाहारी डेजर्ट में जो नाम पीपल आर देयर, जिनको हम बुश मैन बोलते हैं, बुश पीपल बोलते हैं, या आदिवासी जो अंडमान निकोबार में अभी भी देवर, दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स, दे विल कलेक्ट फूड. तो उनकी संस्कृति क्या है? दे कलेक्ट फूड, दे आर हंटर फॉरेजर्स, दे हैव डेवलप टूल्स टू फाइंड फूड, टू कैच फिश.
दे हैव क्रिएटेड बास्केट्स, दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग पॉट्स, दे हैव क्रिएटेड टूल्स. तो स्टोन एज टूल्स होते हैं जो बिग पत्थर होते हैं, फिर मीजोलिथिक टूल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल टूल्स औजार बनते हैं, फिर धीरे धीरे नियोलिथिक टाइम जब दे स्टार्ट डूइंग फार्मिंग. तो पहला अन्न के बारे में होता है कि यू नो इकोनॉमिक बेसिस होता है कि फार्मिंग कैसे करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कैसे करते हैं. इससे कल्चर की शुरुआत होती है कि भैया खाना कैसे बनाते हैं, बिकॉज मैंस बेसिक नीड इज फूड. तो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी से शुरू होगा. तो जब भी आप एक कल्चर को देखते हो तो पहले पूछोगे कि भैया खाते कहाँ से हो. सो महाराष्ट्र में जो कोळी कम्युनिटी है, दे वुड गेट फ्रॉम द सी, बट फ्रॉम देयर यू गेट फिश. वेयर डू यू गेट ग्रेन फ्रॉम? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश. वेन यू स्टडी हरप्पा यू विल आस्क फूड, वेयर, वॉट फूड आर दे ईटिंग? और हम देखते हैं कि वहां पे वो लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स खाते हैं, फिश खाते हैं फ्रॉम द सी. बट यू फाइंड फिश फ्रॉम द रिवर, यू फाइंड देम ईटिंग गोट्स एंड शीप एंड काउ एंड टर्टल, एंड दे फाइंड देम ईटिंग बार्ली एंड यू आर व्हीट खा रहे हैं. तो खाना कैसे बनाते हैं, एंड देन दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कल्चर. सो ऑलवेज बिगिन, यू नो आई ऑलवेज टेल, हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, क्योंकि मनुष्य जो होता है जानवर है, उसे खाना चाहिए. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल कम. तो रोटी बन गया, तो कपड़ा, देन विल कम कपड़ा. वो कपड़ा कहाँ से बनाते हैं? तो पहले जमाने में कपड़े तो नहीं होंगे. ह्यूमंस आर नॉट बॉर्न विथ क्लोथ्स, वी वेयर क्लोथ्स. तो व्हाट क्लोथ्स विल यू वेयर? सो एनिमल स्किन को यूज कर रहे हैं, लेदर यूज कर रहे हैं. कि फिर उसके बाद दे आर ग्राइंडिंग ट्रीज से दे आर मेकिंग बार्क क्लॉथ. यू नो व्हेन आई वेंट टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में गया था, तो वहां पे मुझे पेड़ से बने हुए कपड़े मिले थे, जिसको हम संस्कृत में वल्कल कहते हैं. जो रामजी जंगल में गए थे तो क्या पहन रहे थे? तो हम बोलेंगे मृगछाल पहनते, मृगछाल. तो स्किन ऑफ एनिमल्स. देन दे आर वेयरिंग क्या बोलते हैं, वल्कल. दे आर बार्क ऑफ ट्रीज, वेयरिंग बार्क बार्क ऑफ ट्रीज. सो देन यू हैव गॉट फूड, यू हैव गॉट क्लोथ्स. फिर धीरे धीरे कॉटन, कॉटन वॉज डिस्कवर्ड. देन पीपल डिस्कवर्ड हाउ टू स्पिन एंड वीव एंड डाई. तो वीविंग, वीविंग टेक्नोलॉजी आ गया, सिल्क आ गया, कॉटन आ गया, वुल आ गया. वुल इज कमिंग फ्रॉम एन एनिमल, सिल्क इज कमिंग फ्रॉम एन एनिमल, कॉटन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लांट, जूट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लांट, हेम्प इज कमिंग फ्रॉम अ प्लांट. तो प्लांट इज बिंग यूज फॉर क्लोथ, एनिमल इज यूज बिंग क्लोथ. ह्यूमंस आर, खाना भी हमको एनिमल किंगडम से मिल रहा है, प्लांट किंगडम से मिल रहा है. सो यू आर सीइंग संस्कृति का निर्माण ऐसे ऐसे होता है. कल्चर जब बात करते हैं तो यही चीज होता है, सिंपल चीज से शुरुआत होती है, नॉट सिर्फ सिंगिंग एंड डांसिंग. तो शुरुआत होती है सिंपल सिंपल चीजों से, कि पहला मैंने खाना कैसे बनाया. फिर उसके बाद वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट रोमन सिविलाइजेशन, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रीक्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एबोरिजिनल्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. कल्चर का टॉपिक जो होता है इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. यू हैव टू बिगिन विथ फूड, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देन ग्रेजुअली विल कम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फूड विल कम, देन यू विल टॉक अबाउट क्लोथ्स, देन यू विल टॉक अबाउट हाउसेस. पहले घर कैसे बनाते थे? दे लिव्ड इन केव्स, सम देन दे लिव्ड अंडर रॉक्स, देन दे लिव्ड अंडर पिट ड्वेलिंग. वो छोटे छोटे ऐसे होल्स बनाते थे और उसके अंदर छुप जाते थे ठंड में. दे यूज टू बिल्ड पिट्स, लिटिल डिग होल, होल बनाते थे और वहां पे रह जाते थे, और उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा डाल देते थे. वो पहले पहले जमाने का घर था. धीरे धीरे दे स्टार्टेड मेकिंग, दे स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ, दे स्टार्टेड मेकिंग ब्रिक्स, दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन. देन दे स्टार्टेड, जैसे ब्रिक्स बनाने का अलग अलग टेक्नोलॉजी था. पहले दे वुड ओनली मिक्स क्ले एंड वॉटर. तो इसको एडोबी बोलते हैं, एडोबी. एडोबी वर्ड यू हैव हर्ड? नो. एडोबी, एडोबी मीन्स बेसिकली क्ले ब्रिक्स, क्ले, क्ले एडोबी होता है. फिर उसके बाद दे स्टार्टेड मेकिंग ब्रिक किल्न, दे यूज्ड टू यूज फायर. तो वो हरप्पा में मिलता है हमको, तो घर मिलता है, घर बनाने लगते हैं. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, यू हैव टू स्टडी अबाउट कल्चर. तो रोटी, कपड़ा, मकान, सिंपल वे ऑफ रिमेंबरिंग. तो फिर कल्चर बन गया, अभी घर बनाया मैंने. तो फिर उसके बाद बोले देखो, तो इकोनॉमिक्स तो हो गया. उसके बाद एक बार पैसा आने लगा तो फिर बोलेंगे लोग, भाग मेरा हिस्सा क्या है? भाइयों के बीच में झगड़ा होगा.
व्हेन यू रीड रामायण, व्हेन यू रीड महाभारत, तो हमेशा झगड़ा होता है पैसे के ऊपर, मुझे कितना पैसा, तुम्हारे पास कितना पैसा, मतलब पॉलिटिक्स शुरू हो गया। जैसे आजकल भी ना सैलरी के टाइम में उसको ज्यादा पैसा मिला, मुझे कम मिला, मतलब पॉलिटिक्स ऐसे शुरुआत होती है। तो पहले आता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है पॉलिटिक्स, फिर आता है पॉलिटिक्स, आता है कि किस कौन बड़ा कौन छोटा, कौन काम करेगा कौन कैसा काम करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर आता है, फिर वैल्यू क्या देते हो हम लेबर को, जो जो घर साफ करता है उसको ज्यादा पैसा दोगे, जो खाना पकाता है उसको खाना पैसा ज्यादा दोगे, जो हंटिंग करता है उसको पैसा दोगे, जो फार्मिंग करता है उसको ज्यादा पैसा दोगे, किसको ज्यादा वैल्यू करते हो तुम। तो जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज में द मैन वुड डू हंटिंग इट इज एंड वेमेन वुड डू कलेक्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फॉरेजिंग। नाउ व्हेन यू इफ आई टेल यू दिस, मेन आर हंटर्स एंड वेमेन आर द फार्मर्स, वैल्यू ज्यादा किसको दे रहे हो? एंड दैट इज हाउ डिविजन स्टार्ट। पहले डिविजन ऑफ लेबर होता है और डिविजन से उसके बाद धीरे धीरे एक हायरार्की शुरू हो जाता है कि नो नो मेन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हंटिंग, वीमेन आर लेस इंपॉर्टेंट, ये सडनली डिविजन आ गया है। ऐसा पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, इक्वालिटी खत्म हो जाता है। जैसे वी नो दैट जब जो वेजिटेबल्स कलेक्ट करते थे एवरी डे, मोस्टली दे यूज्ड टू ईट वेजिटेरियन फूड, बट बीच बीच में मीट आता था, द मीट विल कम, सो दे वुड से द फार्मर्स के यू नो द हंटर वुड हंट एंड दे वुड, सो दैट हंटिंग बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बट यू डोंट गेट मीट एवरी डे बिकॉज मीट विल ऑल्सो रॉट, सो डू यू गिव वैल्यू टू द पीपल द हंटर? एंड इन सम ट्राइबल कम्युनिटीज व्हेन द हंटर वुड कम कैचिंग अ बिग एनिमल, दे वुड इंसल्ट हिम, दे विल से क्या बेकार चीज लेके आया, बेकार चीज लेके आया, एंड विल से अरे व्हाई आर यू इंसल्टिंग द हंटर? दे विल से नो हम इंसल्ट करते हैं हंटर को ताकि वो घमंड ना करे, बिकॉज अगर घमंड करेगा तो हमारे ऊपर रुबाब जमाएगा। सो सी हाउ ट्राइबल कम्युनिटीज अंडरस्टैंड घमंड एंड दैट इज हाउ कल्चर इज क्रिएटेड। तो एक कस्टम आ जाता है कि कस्टम होता है कि अगर कोई तुमको कोई चीज देता है तो पहले उसको इंसल्ट करो कि क्या बेकार का चीज लेके आया है, ताकि वो अपने आप का बड़प्पन ना करे। सो सी हाउ कल्चर बिकम्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस इमर्जेस। सो इकोनॉमिक्स आ गया, फिर पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स आ जाता है, फिर देन धीरे धीरे, एंड आई ऑलवेज टेल यू नो यू शुड लर्न दिस फ्रॉम नेचर में, व्हेन यू गो टू फॉर एग्जाम्पल जर्मनी और यू गो टू फ्रांस, यू विल फर्स्ट, वहां जब आपको कल्चर एक्सपीरियंस करना है तो व्हाट विल यू डू, म्यूजियम, म्यूजियम से लोग शुरू करते हैं, दैट इज आर्ट, थिएटर, खाना, फर्स्ट डू लक्ष्मी, वो खाते क्या है, गो एंड ईट द फूड दैट दे आर ईटिंग, एक्सपीरियंस द फूड। तो बड़े होटल में खाना क्या है, छोटे होटल में खाना क्या है, रस्ते में लोग क्या खाना खाते हैं, अगर आप लेह लद्दाख में छुट्टी मनाने जा रहे हो और इफ यू गोइंग टू मेक अ हॉलीडे इन मदुराई, तो कल्चर, इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द कल्चर ऑफ मदुराई और लेह लद्दाख और भुवनेश्वर और तेजपुर और उज्जैन, तो पहले उधर का खाना खाओ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिर तुम उसके रोड साइड के फूड खाओगे, उसके होटल के फूड खाओगे, फिर बोलोगे ये खाना पैसा आता कैसे है इस नगर में, वॉट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस, देन कम्स द पोलिटिकल स्ट्रक्चर, राजा कौन है, हाउ इज द किंग, वॉट इज द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, तो आजकल वॉट आर द, वॉट इज द, डू दे फॉलो डेमोक्रेसी, डू दे फॉलो ऑटोक्रेसी, लोग मैनेज कैसे करते हैं पावर को। तो लक्ष्मी के बाद दुर्गा आ जाती है, सो एवरी कल्चर विल हैव लक्ष्मी एंड दुर्गा, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सब जगह होगा। You know, so that is how culture is not just नाच गाना मूर्ति, it begins with पहले economic activities, उसके बाद political activities, उसके बाद अब बोलो कि इनके पास ज्ञान क्या है, because ज्ञान plays a very important role। सरस्वती आ गई, सरस्वती के दो भाग होते हैं, एक होता है material, material, तो scientific culture क्या है, और वो देखा आध्यात्मिक, which is spiritual culture क्या है। तो एक scientific culture आ गया, स्पिरिचुअल कल्चर आ गया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर। तो इन योर हाउस ऑल्सो ना, अपने घर में देखो, आपका घर का कल्चर अगर आपको पढ़ना है, सो यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि व्हाट इज द फूड प्रैक्टिसेस इन योर हाउस वर्सेस योर नेबर्स हाउस। ऑब्जर्व पॉलिटिक्स अगर समझना है तो डिसाइड कि पैसा मैनेज कौन करता है घर में। इन सम हाउसेज मदर्स टेक केयर ऑफ द मनी, इन सम हाउसेज फादर्स टेक केयर ऑफ द मनी, इन सम केसेस हस्बैंड एंड वाइफ सिट टुगेदर एंड डिस्कस मनी मैटर्स, इन सम फैमिलीज द मैन डिसाइड्स द वुमन ओबेज, इन सम फैमिलीज
समथिंग अदर सिस्टम इज फॉलोड। किसी के घर में पैसा इनहेरिट होता है, किसी में कमाते हैं। इन सम फैमिलीज द मेन आर अब्यूजिव, इन सम फैमिलीज द विमेन आर अब्यूजिव। सो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिक्स। घर घर में आपको पॉलिटिक्स दिखाई देगा, इकोनॉमिक्स दिखाई देगा, नॉलेज भी दिखाई देगा। बुक शेल्फ क्या है आपके घर में? हर घर में एक बुक शेल्फ है कि नहीं है? पढ़े लिखे हो लेकिन घर में किताब है कि नहीं है? देवदत्त पटनायक की बुक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो सिर्फ सबके पास मोबाइल फोन है, बट मोबाइल फोन में किंडल है, किंडल में बुक्स है। सिर्फ म्यूजिक सुनते हो पूरा दिन, पढ़ते नहीं हो। सरस्वती कहाँ है? सिर्फ नहीं नहीं पढ़ाई के समय पढ़ते हैं। तो पढ़ाई, आई गो टू स्कूल टू स्टडी जॉब के लिए, मतलब फॉर मी सरस्वती इज ओनली अ वे टू गेट लक्ष्मी, और कुछ नहीं है। तो कल्चर समझ में आता है घर में कि ऐसे पढ़ते नहीं हो, किताब नहीं पढ़ते हो, यू आर नॉट रीडिंग नॉवल्स लिटरेचर। जैसे जब कालिदास ने लिखा था, तो जब राजा होता है, एक राजा होता है, तो राजा के बगल में हमेशा लक्ष्मी होगी। पहले तो लक्ष्मी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फाइन और नॉट। दुर्गा होगी कि अरे तुम्हारा आर्मी है क्या, फोर्ट है क्या, डू यू हैव अ फोर्ट, डू यू हैव एन आर्मी, डू यू हैव अ ट्रेजरी, कैन यू कंट्रोल। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन नवरत्न कहाँ है? राजा के नवरत्न नहीं होंगे तो बेकार का राजा है। तो नवरत्न, जैसे हम अकबर के बारे में बात करेंगे तो तानसेन की बात आती है, जब आप विक्रमादित्य की बात करोगे तो फिर हम कालिदास के बारे में बात करेंगे। कालिदास नहीं होंगे तो विक्रमादित्य को कौन जानता है? तो नवरत्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कॉलर्स, उसमें साइंटिस्ट्स होंगे कोई, जैसे यू नो देर आर एस्ट्रोनॉमर्स, देर आर फिजिसिस्ट, देर आर केमिकल इंजीनियर्स। तो एक साइंस की दुनिया होती है। फिर दूसरा स्पिरिचुअलिटी। तो इंडिया का साइंटिफिक कल्चर क्या था? व्हेन यू से कल्चर इन इंडिया, यू विल टॉक अबाउट साइंटिफिक कल्चर ऑफ इंडिया। मैथमेटिक्स, डिड वी अंडरस्टैंड स्टार्स, डिड वी अंडरस्टैंड, इंडिया वाज फेमस फॉर मेकिंग मेटल, वी वर वेरी फेमस फॉर स्टील, वी वर वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड फॉर स्टील। आयरन एज स्टार्ट्स 3000 ईयर्स अगो। तो स्टील, सो साइंटिफिक कल्चर होता है इंडिया में। So you have to understand scientific culture, monsoon winds play a very important role, agriculture practices in India were interesting, so science is important, adhyatma bhi important hai, Buddhism, Jainism, charvaka philosophy, lokayata philosophy, phir darshan shastra, vedanga, to saraswati ke do roop aa gaye, ek hai science aur ek hai spirituality. To agar aap culture padh rahe ho to have you understood economics? Have you understood politics? Have you understood science? Have you understood spirituality? ये सब culture के divisions हैं। तो ये सब, फिर रीति रिवाज, what are the practices? Practices क्या है? What are the various practices? Festival क्या है? हर साल वो festival कैसे मनाते हैं? Harvest festival हमेशा होगा, हर culture में एक harvest festival, जैसे हमारा बैसाखी है, दिवाली है। तो वाई इज बैसाखी इज सेलिब्रेटेड बिफोर द रेनी सीजन, दिवाली इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द रेनी सीजन? इज इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज? इज इट रिलेटेड टू रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स? एंड हाउ इज रबी क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स रिलेटेड टू मॉनसून? तो अगर ज्योग्राफी समझ में नहीं आया और तुमको वेदर के बारे में नहीं पता है, तुमको रबी और खरीफ के बारे में नहीं पता होगा, और अगर रबी और खरीफ के बारे में नहीं पता है तो यू विल नेवर कोरिलेटेड विद दिवाली, यू विल नेवर कोरिलेटेड विद बैसाखी। कि देखो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स होता है, और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हर जगह एग्रीकल्चर अलग प्रैक्टिसेस होंगे। इसलिए साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल होगा कॉल्ड पोंगल, कहीं होगा बैसाखी, कहीं होगा ओणम, बिकॉज द एग्रीकल्चर इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ रीति रिवाज जुड़ गए। फिर संस्कार क्या है, शादी कैसे होती है, नॉर्थ इंडिया में शादी कैसा होता है, साउथ इंडिया में शादी कैसे होता है, that also tells you about culture, riti rivaj. Marriage is a very important ritual and funeral is a very important ritual. Shaadi ko se bahut kuch pata chalta hai. South India mein taali bandhte hain, they tie a thread around the neck, which is a very important part of marriage. Shaadi ke liye taali. North India mein sindoor lagana hota hai, East India mein chudi hote hain, alag prakar ki chudi hote hain. So there are different practices, north to south practices bahut alag ho gaye. To aa gaya hamara economic, फिर पॉलिटिक्स, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल कस्टम्स। इंडिया में अगर आप कल्चर समझना चाहते हो तो आपको कास्ट भी समझना पड़ेगा, जाति रिवाज, जेंडर समझना पड़ेगा, कास्ट समझना पड़ेगा, सेक्सुअलिटी समझना पड़ेगा। जैसे यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, तो क्योंकि दीज थिंग्स आर गोइंग टू शेप,
देखिए तुम्हारा जो विचार है, योर इमेजिनेशन विच इज माइथोलॉजी, जो आप दुनिया को देखने का दृष्टिकोण है वो व्यक्त होता है थ्रू योर फूड, थ्रू योर क्लोथ्स, थ्रू योर हाउसिंग, थ्रू योर आर्किटेक्चर। तो घर, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर आपका पॉलिटिक्स क्या है। जैसे हरप्पा में राजा नहीं दिखाई देता, राजमहल नहीं दिखाई देता, दे डिड नॉट केयर फॉर राजा। उधर राजा नहीं है, राजमहल नहीं, फिर नगर व्यवस्था कैसे होती थी। लेकिन कंट्रोल था, बिकॉज अक्रॉस 1000 किलोमीटर वही स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, वही स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक दिखाई दे रहा है। मतलब कंट्रोल तो है, तो पावर है, लेकिन राजा नहीं है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ स्टेट विदाउट अ किंग? हाउ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो चाणक्य के टाइम में, गुप्ता पीरियड में, हम पूछेंगे कि अरे गुप्ता पीरियड में सामंतवाद था क्या? फ्यूडलिज्म, व्हेन डज फ्यूडलिज्म स्टार्ट इन इंडिया? टेम्पल्स कब बनने लगे? सो दीज क्वेश्चन यू स्टार्ट आस्किंग धीरे धीरे। वंस यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, देन यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, देन यू अंडरस्टैंड साइंस, देन यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, एंड देन ग्रेजुअली यू अंडरस्टैंड सोशल कस्टम्स, फिर आर्ट आ जाता है। बिकॉज जब बहुत पैसा और पावर आता है तब नवरत्न आने लगते हैं। जब नवरत्न आने लगते हैं तो फिर पैसा है मेरे पास तो मैं मंदिर बनाऊंगा, राजमहल बनाऊंगा, स्टैच्यूज बनाऊंगा अपना वैभव दिखाने के लिए। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे आप हरप्पा में आर्ट टॉयज दिखता है, बहुत टॉयज दिखते हैं, यू सी दीज लिटिल ब्यूटीफुल टॉयज, टाइल्स दिखे हैं, उनके जो पॉट्स है वेरी ब्यूटीफुल, बट हम मंदिर नहीं देखते। दे डिडंट वेस्ट द टाइम, मंदिर वंदिर हम नहीं बनाएंगे। तो मंदिर इंडियंस का बनाया, वैदिक पीरियड में हमको मंदिर नहीं दिखाई देते। अरे तो देवदत्त, आप यू नो, देन आई व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग दीज, व्हेन आई स्टडी कल्चर, देन आई स्टडी आर्ट्स, इन सो इन आर्ट्स आई विल स्टडी परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन आई विल स्टडी प्लास्टिक आर्ट, फिर लिटरेचर। लिटरेचर में लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट इज इंपॉर्टेंट। जैसे स्क्रिप्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर। जैसे रामायण, हम रामायण बोलते हैं, रामायण लिटरेचर है, लेकिन किस भाषा में लिखी गई थी? आप बोलोगे संस्कृत में। ऐसे संस्कृत मतलब कौन सा संस्कृत? वैदिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत? What is Vedic Sanskrit? Vedic Sanskrit का grammar is very different from classical Sanskrit. Classical Sanskrit में Panini के rules आते हैं। Panini lived around the time of the Buddha. तो जो संस्कृत से पता चलता है कि रामायण कब लिखी गई थी, कंपोजिशन पता नहीं कब हुआ था। तो आप बोलोगे ठीक है, तो लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। So, एक लिटरेचर आ गया, फिर लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। रामचरितमानस इज रामायण की स्टोरी, लेकिन लिखी गई है अवधि में, तो भाषा अलग है, भाषा अलग है। फिर लिपि, स्क्रिप्ट, बिकॉज यू कैन नाउ डेज वी कैन राइट हिंदी इन इंग्लिश स्क्रिप्ट ऑल्सो ना, लैटिन स्क्रिप्ट में, जैसे हम लिखते हैं व्हाट्सएप में, नाउ डेज वी आर यूजिंग एन इंग्लिश स्क्रिप्ट। उसके पहले देवनागरी, उसके पहले कोई और स्क्रिप्ट था। पहला स्क्रिप्ट कौन सा था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट कब से शुरू हुआ? सो दैट बिकम, स्क्रिप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू स्टडी द, जैसे मैंने कहा म्यूजियम में क्या क्या दिखाई देगा, मुझे स्टैचूज दिखाई देंगे, मुझे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, मुझे स्क्रिप्ट दिखाई देंगे, मुझे मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखाई देंगे। स्क्रिप्ट आ गया तो व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू राइट? पेन था, इंक था, डिड दे राइट ऑन पेपर, डिड दे राइट ऑन क्लॉथ? बिकॉज पेपर कम्स टू इंडिया ओनली विद इस्लामिक पीरियड, द पर्शियन पीरियड, 13th century में आता है पेपर इंडिया में। उसके पहले हमको पेपर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन हम ज्यादातर कपड़े में लिखते थे या मेटल पे लिखते थे, ताम्र पत्र, या हम भोज पत्र, लीव्स पे लिखते थे। सो दैट इज पार्ट ऑफ कल्चर ऑल्सो ना। जैसे इजिप्ट में पपायरस होता था, पपायरस स्क्रोल्स होते थे। सो यू हैव दैट, यू हैव टू स्टडी। सो दैट इज पार्ट ऑफ आर्ट। सो आर्ट, कल्चर, फिर आता है देवदत्त, व्हाट अबाउट हेरिटेज? पीपल आर नाउ डेज, दिस वर्ड हेरिटेज इज बीइंग यूज्ड अ लॉट। ट्रेडिशन और हेरिटेज में क्या है? यू नो, आई हैड गिवन यूपीएससी एग्जाम्स अ लॉन्ग टाइम अगो, 25 साल पहले आई हैड गिवन यूपीएससी एग्जाम्स, आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिलीव इट और नॉट। आई स्टडीड मेडिसिन, बट दैट मेडिसिन, मेडिकल साइंस वाज नॉट वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने हिस्ट्री दिया था उस समय, और दिन रात मेहनत करके गॉट थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आई डिडंट जॉइन। और उस समय मेरे को, लेकिन मेरे को याद है, अभी भी याद है, उन्होंने इंटरव्यू में मुझे पूछा था, देवदत्त व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, एंड आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, एंड मैं you know I got very nervous और मैं ठीक से आंसर नहीं दिया। बट नाउ आई विल टेल पीपल कि देखो, ट्रेडिशन जो भूतकाल से जुड़ा हुआ है, और हेरिटेज जो भविष्य से जुड़ा हुआ है। भूतकाल से भविष्यकाल, हेरिटेज इज समथिंग दैट यू वॉन्ट टू टेक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हमारा ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाज में जाति प्रथा होती थी, लेकिन क्या हम उसे आगे लेना चाहते हैं? विरासत है, नहीं है। वी डोंट वॉन्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, वी डोंट वॉन्ट टू टेक पेट्रियार्की फॉरवर्ड, वी डोंट वॉन्ट टू टेक होमोफोबिया फॉरवर्ड।
सो हेरिटेज इज वॉट यू वॉन्ट टू टेक फॉरवर्ड. तो हेरिटेज होता है. सो नाउ डेज यू हैव गॉट, यू नो, हेरिटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अबाउट द हेरिटेज थिंग्स विच हैव हैपेंड इन इंडिया. नेचुरल हेरिटेज होता है, जैसे इन मध्य प्रदेश सतपुरा के पास देर इज टाइगर रिजर्व हैव टू बी प्रोटेक्टेड, दैट इज पार्ट ऑफ अ नेचुरल हेरिटेज. देन देर आर द बेड़ाघाट, दीज मार्बल प्लेसेज इन मध्य प्रदेश विच हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल मॉन्यूमेंट. आजकल 2021 में दे आर टॉकिंग अबाउट दिस शुड बी हेरिटेज. We have to protect nature. Then it comes to protect all the old things, जो पुराने जमाने के things थे. You know, when you are studying culture, I study culture this way. First, I always will always say, अच्छा, whatever I am studying, इसका history क्या है, इसका geography क्या है. जब तक you know, I have this concept of देश काल गुण. मैं हर चीज को देखता हूँ ना. अगर आपने मुझे कहा कि देखो ये कप है, this is a cup, okay? Now this cup is there, so I will say, अच्छा, history क्या है, geography क्या है इस कप का. इससे पहले मैं शुरुआत करता हूं हमेशा. मैं आई हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर उससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है. तो अगर मैं इकोनॉमिक कल्चर पढ़ता हूं, तो फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन सिंपल एग्जाम्पल, समोसा. समोसा से कल्चर कैसे समझ में आएगा? दैट समोसा तो इंडियन है. सर अच्छा, स्टेप वन, हमारे इतिहास में समोसा शब्द पहले बार कब आता है? तो आप रिसर्च करने लोगों के, उसमें समोसा में आलू है. आलू तो पोर्चुगीज लेके आए थे 400 साल पहले. उसके पहले क्या हम समोसा खा सकते थे? आलू तो नहीं होगा. फिर धीरे धीरे हमको पता चलता है कि द ऑटोमन किंग्स, जो टर्की के राजा थे, वहां एक डिश है कॉल्ड संबोसा. एंड द समोसा वॉज डिजाइन बेस्ड ऑन द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट. पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट देखा है? उसको देख के वहां के एक कुक ने उसके अंदर नॉन वेज मटन का एक संबोसा बनाया था. एंड दैट, वो जो लोग थे वहां से, वो टर्की से धीरे धीरे, दैट आइडिया मस्ट हैव ट्रेवल्ड थ्रू द सिल्क रूट एंड हैज रीच्ड इंडिया मुगल साम्राज्य के टाइम में. तो समोसा का कॉन्सेप्ट आया. फिर किसने कहा कि अरे वेजिटेरियन लोग क्या खाएंगे? तो उसके अंदर उन्होंने आलू डाला, बिकॉज बाय द टाइम पोर्तुगीज हैड ब्रॉट पोटेटो एंड पोटेटो वाज इजी टू ग्रो. तो हमने आलू डाल दिया उसके अंदर. फिर जैन लोगों ने कहा कि लेकिन हम तो आलू नहीं खाते हैं, तो बोला कि ठीक है, उसके अंदर हम पीस्ड मटर डाल देंगे. मटर डाल दिए, तो नाउ वी हैव गॉट समोसा. सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज समोसा हिस्टोरिकली कब आया था? मोस्ट प्रोबेबली सल्तनत के टाइम या मुगल के पीरियड में आया था. लेकिन ज्योग्राफी वाइज सडनली आलू से हमको साउथ अमेरिका के बारे में ज्ञान आता है, पोर्तुगल के बारे में ज्ञान आता है, मॉनसून विंड्स के बारे में ज्ञान आता है. सो जस्ट द लिटिल समोसा से कितनी स्टोरीज आती है. पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बारे में आती है. व्हेन देन आई विल से पिरामिड्स के बाद माय माइंड विल इमीडिएटली से हिस्टोरिकली, व्हेन वाज द पिरामिड्स बिल्ट, व्हाट पीरियड वाज पिरामिड्स बिल्ट, वाज इट बिफोर हरप्पा और आफ्टर हरप्पा. मैं हमेशा कंपेयर करता हूं, मैं टाइम बाय हार्ट नहीं करता. मैं हमेशा उसको, आई ऑलवेज स्टडी टाइमलाइंस की, भैया जब अकबर इंडिया में राजा थे, इंग्लैंड में राजा कौन था? हिस्टोरिकली कनेक्ट होता है. चंगेज खान अकबर के पहले आया है बाद में आया? चंगेज खान भारत आया था क्या? बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड कंप्लीट यूरोप. बट डिड ही कम टू इंडिया? नो ही डिंट. वाई डिड ही नॉट कम टू इंडिया? 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में क्या हो रहा था इंडिया में? वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल गो लाइक दैट. अगर मैं, यू नो, बॉम्बे के पास देर इज एलिफेंटा केव्स, तो बोलेंगे कल्चर. अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड कल्चर बनाने. अभी अगर आप एलिफेंटा केव्स जाओगे तो बोलेंगे अरे ये पत्थर के ऊपर इतना कहा है, दैट मीन्स दे हैव स्किल, समबडी नोज हाउ टू मेक दी स्टैच्यूज. मतलब एक नॉलेज है पत्थर को कैसे कार्व करना. और उस दे आर नॉट जस्ट कार्विंग रैंडम थिंग्स, वो एक वेरी क्लियर आइडिया है और बहुत स्किल्ड है, विच मीन्स दे वर वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. बट वो स्टोरी बोल रहे हैं. स्टोरी किसके बोल रहे हैं? शिव जी के बोल रहे हैं. शिव जी के स्टैचूज हैं, मतलब ये स्टोरी भी था. लेकिन कब बनाए थे स्टैचूज को? सम द ओल्ड स्टैचूज ऑफ शिवा फाउंड नियर बॉम्बे. देन समबडी सेज ये तो प्रोबेबली द चालुक्यास मेड इट. चालुक्यास, उसके ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चालू है. तो चालुक्यास विच सेंचुरी? चालुक्य कहाँ है? कर्नाटका महाराष्ट्र साइड में चालुक्य थे. गोवा के साइड कौन था? कदम्बा राजा था. विच सेंचुरी वॉज इट? ओ 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी का मतलब क्या है? हु आर द किंग्स इन इंडिया इन 7th सेंचुरी? इन इंडिया 7th सेंचुरी का मतलब क्या है? हर्षवर्धन भी था ना. हाँ ठीक है, बट वर्ल्ड में क्या हो रहा था 7th सेंचुरी में?
जापान में क्या हो रहा था 7th सेंचुरी में, चाइना में क्या हो रहा था 7th सेंचुरी में, बिकॉज इंडिया इज नॉट इन आइसोलेशन, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं सबके साथ 7th सेंचुरी से आ रही है। इस्लाम स्टार्टेड इन द 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली दैट टाइम। ओ वेरी इंटरेस्टिंग, इस्लाम हैज कम इन अरेबिया एंड इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इन दैट टाइम इन इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, एलिफेंटा केव्स इज बीइंग बिल्ट बाय समवन। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट टाइमिंग वो हिस्टोरियन को पता होगा, बट मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे वाह वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग is happening. That is how you study, that is how you understand culture. You have to study the subject in various ways. अभी जो कॉकरोच होते हैं ना, they are only interested in ego की इंडिया महान था, इंडिया महान था। ये अहंकार है, कोई महान नहीं है, कोई देश महान नहीं है, कोई देश बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब देश अलग अलग प्रकार के होते हैं। So we should not waste our time with these kind of people. Those की अभी बंगाल अलग सिस्टम था, महाराष्ट्र अलग सिस्टम था, उड़ीसा अलग सिस्टम था, तमिलनाडु वॉज डिफरेंट, चाइना वॉज डिफरेंट, एवरीबडी वॉज डिफरेंट एंड विद टाइम एवरीथिंग चेंज्ड। कोई महान या छोटा मोटा नहीं होता है। अगर कोई भी बोलेगा माई कल्चर इज ग्रेटर देन योर कल्चर, देन यू नो यू आर मीटिंग अ कॉकरोच। डोंट वेस्ट योर टाइम विद सच पीपल, जस्ट से नमस्ते, बी हैप्पी इन योर सुअर एंड स्टे अवे, वॉक अवे फ्रॉम देम, बिकॉज दे विल जस्ट मेक योर लाइफ मिजरेबल, बिकॉज उनका अहंकार ज्यादा है। और जहां अहंकार होता है वहां सरस्वती नहीं आएगी, और जब तक सरस्वती नहीं आएगी तब तक ना लक्ष्मी आएगी ना दुर्गा आएगी, बिकॉज मनुष्य का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज सरस्वती। द एबिलिटी टू इमेजिन इज वॉट मेक्स ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। इमेजिनेशन इज लाइक सर 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 सर, इट्स फ्लूइड, जिससे सरस्वती शब्द आता है। रस सरस सरस्वती, ही हु होल्ड्स सरस, रस रस मीन्स फ्लूइड, आर माइंड इज फ्लूइड बट इट इज ब्यूटिफुल ऑफ गुड थॉट्स, सरस, एंड वी आर द बेयरर्स ऑफ सरस्वती। इसलिए वी कुड क्रिएट टूल्स, वी कुड क्रिएट द फर्स्ट टूल्स, द इकोनॉमिक टूल्स, इसलिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है, इसलिए हमने फार्म्स बनाए, इसलिए हमने घर बनाए। सो लक्ष्मी, वी ब्रॉट लक्ष्मी यूजिंग सरस्वती, वी क्रिएटेड दुर्गा यूजिंग सरस्वती, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। बट अल्टीमेटली सरस्वती कहेगी कि देखो ये सब अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा घर बार ठीक है, यू हैव रोटी कपड़ा मकान, यू हैव गॉट अ सिक्योर एनवायरमेंट, इंश्योरेंस है तुम्हारा, डेमोक्रेसी है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मुझे नवरत्न दिखाओ, तुम्हारा तानसेन कौन है, तुम्हारा कालिदास कौन है, बिकॉज दैट इज हाउ आर्ट्स इमर्ज। कल्चर से आर्ट निकलेगा, पहले कल्चर आएगा, उसके बाद कल्चर में से आर्ट निकलेगा, एंड देन यू विल नो, अरे मूर्ति यहां बनाते थे, मंदिर बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे, म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, बिकॉज दीज आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टेक्निकली दे शुड नॉट बी इकोनॉमिक, दे आर ओनली मेंट टू बी कंज्यूम्ड बाय द इंटेलेक्ट, टू बी एंजॉयड। रस भाव नाट्यशास्त्र, स्वाद आता है उसका, of course you need to pay them because they have to survive. So jab tak human, remember the beginning of human culture starts, how do you know human beings, not because weapons are there, it is because jewelry is there. Jab shringar shuru hota hai, shringar se manushyata ki shuruaat hoti hai. 100,000 years ago in Africa we found the first jewelry, and that showed us that humans exist, that is they are not animals anymore, they are humans. Not because they have weapons, but because they made jewelry and they had paintings on the cave walls. Usse manushyata ka symbol aata hai. Art and jewelry and burial rites indicated humanity. To raja banna, to every animal kingdom ek alpha hota hai, jo ladai jhagda karta hai. Every animal wants food, but animals don't create poetry. Animals don't create literature. Animals don't understand aesthetic. Satyam Shivam Sundaram. ये मनुष्य की खोज है। सो आर्ट एंड कल्चर इज अबाउट सत्यम शिवम सुंदरम। जो कॉकरोच को कभी नहीं समझ में आएगा, उसको सिर्फ अहंकार चाहिए, वो अहंकार का भोग करता है। जो आर्ट एंड कल्चर समझता है, वो अहंकार को त्यागना चाहिए, बिकॉज सरस्वती इज मैजिकल। शी विल टेल यू कि तू इतना बड़ा नहीं है, तेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, तुम यहां हड़प्पा बना रहे थे, राइट? तो रोमन एम्पायर जब हो रहा था, तुम भारत में क्या कर रहे थे, बोलो? पता है? नहीं पता है। जब चीन पेपर इन्वेंट कर रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे?
तो हाँ तुम महान हो, लेकिन वो भी महान है, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। दर्शन करो, अंडरस्टैंड अदर पीपल्स कल्चर। सो मेनी पीपल आर प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर, वो आर्यन आर्यन बोलते हैं। आई कॉल देम, सर को मिजोरम के बारे में क्या पता है? टेल मी समथिंग अबाउट मिजोरम। नो आई नो नथिंग अबाउट मिजोरम, सिर्फ आर्य 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 आर्य। आर्य इज ओनली 500 और 1000 ईयर्स ऑफ इंडियन कल्चर। डू यू नो अबाउट कुशांस? कुशान के बारे में पता है, चालुक्य के बारे में पता है। डू यू नो अबाउट द टेम्पल्स ऑफ कांजीवरम? डू यू नो अबाउट द फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र? डू यू नो अबाउट द फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र? आर्य 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 आर्य। अरे यू डोंट इवन नो द फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यू डोंट नो पट्टडकल, यू डोंट नो हम्पी, यू डोंट नो हु बिल्ट द टेम्पल इन उड़ीसा, यू डोंट नो हु टुक कृष्ण भक्ति टू असम, हु टुक कृष्ण भक्ति टू मणिपुर। मणिपुर के बारे में क्या जानते हो? नागमीज भाषा के बारे में क्या जानते हो? प्रकृति के बारे में क्या जानते हो? अर्धमगादी के बारे में क्या जानते हो? नहीं जानते हो, लेकिन वो आर्य 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 द्रविड़ द्रविड़ द्रविड़। 19th century रिडिकुलस आइडियाज जो अंग्रेज छोड़ गए उसी को पकड़ के रखे हो। सो स्टडी कल्चर, स्टडी आर्ट्स, एंड कम एवरी संडे 40 Time Tales, वेयर वी विल डिस्कस डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मिथोलॉजी, फ्रॉम आर्ट, फ्रॉम कल्चर। वी विल स्टडी हेरिटेज, यू नो वी विल स्टडी अबाउट मेगालिथिक टूम्स, वी विल स्टडी अबाउट बेरियल प्रैक्टिसेस, सब के बारे में हम बात करेंगे रोज 1 घंटे के लिए। टाइम पास, नथिंग स्ट्रक्चर्ड। Broadly, I will give you the topic. As I said today, if you're interested in this subject, of course, there is this textbook you can read, Bharatiya Sanskriti Kala, which is written by Pearson. It is there, and it is in English also. It's in English also. This is, of course, an academic textbook, not for you all. This is only for students who want to do UPSC exams. For the rest of it, you can talk about it. Hopefully, I'll bring a book for the general public also in a year or two. I want to talk about the statues of Bahubali. I want to talk about the statues of Buddha. I want to talk about how Buddha statue changed over time, how Jain statues were built. I want to tell you the oldest statues of Shivji kaise banaye gaye the, aur bronze kaise ise banaya gaya tha, kaanse se kaise banaya tha, iron ke bare mein baat karenge. We'll talk about agricultural practices. We'll talk about trade routes. We'll talk about Southeast Asia, Cambodia. So lots of things to discuss. Lots of things. Every Sunday, 4 to 5 o'clock. I'm mostly 4 to 4:30. आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, but do join me. I hope you enjoyed the tea time tales. This is casual, nothing serious. Just for fun to have enjoy Saraswati के बारे में, because आजकल लोग I'm seeing we are not understanding the joy of Saraswati. So Saraswati को नमन करके आज के लिए मैं विदा लेता हूँ. Bye today. See you next Sunday, and we'll discuss some new topic next time.